नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप, YouTube चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। वो है मॉडिफाइड सोलर फर्राटा फैन, यानी कि वो फर्राटा फैन जो आपका डायरेक्ट सोलर पे भी चल सकता है, डायरेक्ट बैटरी पर भी चल सकता है, वो फर्राटा फैन जो आपका डायरेक्ट AC 230 वोल्ट पे भी चल सकता है, इन्वर्टर पे भी चल सकता है। एक ही फर्राटा फैन को आप AC पे भी चला सकते हैं, DC पे भी चला सकते हैं, जो कम वोल्टेज पे भी काम करेगा, यानी कि 100 वोल्ट पे भी स्पीड उतनी रहेगी और 300 वोल्ट पे भी उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी। उस फर्राटा फैन के बारे में कैसे आप बना सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास जो है सोलर फर्राटा फैन है, सोलर फैन है। इसके लिए हमने क्या किया कि जो बुलेट फैन की जो बॉडी आती है वो हमने यूज करी है, और उसके अंदर हमने DC मोटर इसके अंदर फिट कर ली है, और प्लास्टिक की इसके अंदर ब्लेड यूज़ की गई है। जो इसकी तीन जो फिन्स हैं, ब्लेड हैं, वो हमने प्लास्टिक की यूज़ की हैं, DC मोटर हमने यूज़ की है, और इसकी जो बॉडी है वो बुलेट फर्राटे की हमने बॉडी इसमें यूज़ की है। अब इसके बारे में मैं जितना भी आपको फीचर बताऊंगा, आप एक एक करके फीचर देखते जाइए, आपको बहुत ही अच्छा ये फर्राटा लगेगा। इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं, वो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, इसको अगर हम 12 वोल्ट बैटरी पर यूज़ करेंगे तो ये जो फर्राटा है इसकी पावर कंजप्शन सिर्फ 20 वाट की है। ये 20 वाट की पावर कंजप्शन करेगा, और 15 से 18 फीट के आसपास इसकी जो है एयर फ्लो का डिस्टेंस है, यानी कि 15 से 18 फीट ये आपको हवा देगा, और सिर्फ 20 वाट ये 12 वोल्ट पे करेगा। अगर बैटरी वोल्टेज 12 से ऊपर है, 12.56 है, तो ये 25 वाट करेगा। अगर सोलर पे इसको लगाएंगे डायरेक्ट, अगर इसको सोलर पे यूज़ करेंगे तो ये 30 वाट की अपनी पावर कंजप्शन करेगा, लेकिन उस केस में आपकी जो इसकी एयर फ्लो है वो बढ़ जाती है 25 फीट के आसपास तक। तो इसके लिए मैं दिखा दूँ आपको, हमने सिर्फ DC मोटर इसके अंदर फिट की है, पीछे ऑन ऑफ के लिए नोब लगा दिया है, नीचे हमने क्या किया यहाँ पे एक जो है आपका पिन लगा दी, हमने मेल पिन लगा दिया यहाँ पे, जिसके अंदर हम अपना कनेक्टर यूज़ करके इसके कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका कनेक्टर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये इसका कनेक्टर हमने बनाया हुआ है। ये जो पिन आती है आपकी, ये आपका कनेक्टर है, और इसके ऊपर जितनी लंबी आप वायर चाहें आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये आपका जितनी मर्जी लाइन लंबी आप वायर कनेक्ट करना चाहो, इसको बैटरी पे चलाना चाहे बैटरी पे चल जाएगा, सोलर पे चलाना चाहे सोलर पे। और इसी फर्राटे को हम AC यानी कि डायरेक्ट बिजली और इन्वर्टर भी चला सकते हैं, और उसके अंदर क्या क्या फीचर है वो भी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी हम पावर कंजप्शन चेक करेंगे दोस्तों। अभी हमने इस फर्राटे को जो है यहाँ पे बैटरी पे कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए इधर जो है हमने यहाँ पे इसको बैटरी पे कनेक्ट कर दिया है। 12 वोल्ट की बैटरी हमारे पास है जिग पे, और यहाँ पे आपका बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है, और यहाँ पे आपका बैटरी का करंट ये दिखाएगा, बैटरी का करंट शो करेगा। तो अभी मैं इसको नोब से यहाँ से ऑन करता हूँ, पीछे से इसकी नोब है, ये देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है, और ये आपका बैटरी वोल्टेज जो है 12.3 है, 12.4 है, और ये करंट जो ले रहा है बैटरी से अभी, ये ले रहा है आपका 1.8 एम्पियर। तो अगर मैं इसको अभी कैलकुलेट करके देखूँ इसी कंडीशन में, तो 12.3 इसका जो है बैटरी वोल्टेज है इनटू में आपका 1.8 एम्पीयर ये करंट ले रहा है। तो अभी इसी कंडीशन में ये जो है आपका 22.14 यानी कि 22 वाट का ये फर्राटा है, और इसकी हवा जो है अभी 15 फीट के आसपास इसकी जो है हवा का जो फ्लो है वो भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक तो दोस्तों, अभी ये जो सोलर फर्राटा फैन था इसके अंदर हमने और मॉडिफिकेशन की हैं, और इसके अंदर चेंजेस किए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी रोचक इसके अंदर चेंजेस हैं। सबसे पहला चेंज हमने क्या किया कि हमने क्या किया कि इसको अडाप्टर यूज़ कर लिया एक, जिससे कि हम इसको डायरेक्ट लाइट पे यूज चला सकते हैं, और डायरेक्ट आपका इन्वर्टर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा अडाप्टर हमने डबल रेटिंग का लिया ताकि सेफ मोड पर हम इसको काम कर सकें, 12 वोल्ट 4 एम्पीयर का। आप इसको 12 वोल्ट 3 एम्पीयर का भी यूज़ करेंगे तो इसके लिए ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा अडाप्टर होता है ये 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक जो है रेगुलेट करके आउटपुट निकालेगा 12 वोल्ट, क्योंकि हमने इसको 12 वोल्ट पे ही चलाना होता है, तो हमें सिर्फ 12 वोल्ट चाहिए। अगर AC से 12 वोल्ट चाहिए तो उसके लिए हम अडाप्टर यूज़ करते हैं, SMPS यूज़ करते हैं। ये SMPS होता है काफ़ी अच्छी, इनकी एफिशिएंसी होती है 95-98% एफिशिएंसी होती है इनकी, तो इनके अंदर पावर लॉसेज भी नहीं होता है। और इनसे जो बेनिफिट हमारे को मिलेगा वो ये मिलेगा कि अगर मैं इसको 100 वोल्ट पे भी अगर इसको चलाना चाहूँ किसी जगह पे, अगर आपको पावर जो आती है लाइट आती है आपकी 230 की जगह अगर आपकी 100 वोल्ट भी आएगी, तो उस केस में भी इसकी जो स्पीड है वो उतनी ही रहेगी जितनी कि हमारी 230 पे है। और अगर 300 वोल्ट अगर हमारी वोल्टेज आ जाए पीछे से, तो उस केस में भी इसको 12 वोल्ट ही मिलेगी, और उस केस में भी इसकी स्पीड उतनी रहेगी, और 100 से लेके 300 वोल्ट तक ये बिल्कुल सेफ चलेगा। हमारा अगर पंखे को 300 वोल्ट मिल जाए हमारे AC वाले को तो वो ख़राब हो जाता है, तो 100 से 300 वोल्ट तक ये रेगुलेटेड आउटपुट हमारे को देगा। और हमारी जो है वेरिएशन भी आपको मैं यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ।
दोस्तों जहाँ पे हम सोलर की जो पिन के लिए जो कनेक्ट करते थे कनेक्टर को, तो वहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, अडाप्टर की जो पिन है वो लगा देंगे यहाँ पे, जो 12 वोल्ट हमारे को सप्लाई करती है। ये मैंने पिन यहाँ पे लगा दी है, इसके लिए छेद आप ऊपर ना करके नीचे करें, वो थोड़ा सेफ रहता है। तो अभी मैंने इसको अडाप्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, ये हमारा अडाप्टर है 12 वोल्ट का, मैंने वहाँ से इसको मेन दे दिया है और इसको मैं अभी ऑन करता हूँ। और जैसे जैसे मैं वोल्टेज 300 वेरी करूँगा और 300 से 100 करूँगा तो इसकी स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। ये इसका बेनिफिट रहेगा हमारे को कि किसी एरिया में, रूरल एरिया में जहाँ पे गांव का क्षेत्र है, जहाँ पे वोल्टेज डाउन हो जाती है, वोल्टेज 150 या उससे कम आती है, तो उस केस में ये अडाप्टर लगाने से इसकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आएगा और आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, थोड़ा सा पावर कंजप्शन बढ़ेगी। चेक करके दिखाता हूँ, मैंने इसको यहाँ से ऑन किया हुआ है, ये मैंने इसको यहाँ से भी ऑन कर दिया आपका नॉब से, और अभी मैं देखिए 200 वोल्ट है ये, ये देखिए यहाँ पे 150 वोल्ट है। अभी ये 150 वोल्ट पे भी इसका स्पीड है बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये जो SMPS है इसको 12 वोल्ट ही देता है। और अगर मैं इसको 100 वोल्ट पे कर देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे 100 वोल्ट कर दिया है, इसको 100 वोल्ट के ऊपर भी इसकी स्पीड बिल्कुल सेम है। और अगर आप इससे नीचे भी चाहोगे तो इसकी स्पीड में वेरिएशन नहीं आती है, क्योंकि 100 वोल्ट से नीचे भी SMPS 12 नहीं तो 11.4 11.6 तो निकालता है, उस केस में भी बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड में फ़र्क नहीं आता है। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, ये अभी हमारा चल रहा है आपका 50 वोल्ट के आसपास, इनपुट वोल्टेज AC वोल्टेज 50 वोल्ट है तो भी इसकी स्पीड बिल्कुल सेम है, कोई स्पीड के अंदर वेरिएशन नहीं है। मैं अभी ऊपर 300 तक करके दिखाता हूँ, ये मैंने 250 वोल्ट कर दिया है, 250 वोल्ट पे सेम स्पीड है। ये देखिए मैंने पूरा 300 वोल्ट कर दिया इसको, ये जो हमारा वेरिएक है इसको 300 वोल्ट पे कर दिया है, 300 वोल्ट तक भी ये बिल्कुल सेफ है और इसकी स्पीड बिल्कुल सेम रहेगी, स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। थोड़ा सा हीटिंग हमारा इसमें होता है, लेकिन ये इसके इसी के लिए डिज़ाइन होता है तो इसको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको कितने सारे बेनिफिट मिलेंगे कि आप AC पे भी इसको चला सकते हो, इन्वर्टर पे भी यूज़ कर सकते हो, बैटरी पे भी, सोलर पे भी। और दूसरी बात ये रहेगी कि ये शॉक नहीं कभी मारेगा, शॉक लगेगा नहीं हमारे को कभी, इलेक्ट्रिक शॉक जो है कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि 12 वोल्ट पे कभी शॉक लगता नहीं है। अगर ये देखिए ये अडाप्टर है हमारा, तो इसको अगर मैं छू भी रहा हूँ तो इसको शॉक नहीं लगेगा किसी भी कंडीशन में। अगर आपका मेटल की बॉडी भी है तो उस केस में आपको यहाँ पे शॉक नहीं लगेगा, ये शॉक प्रूफ का भी काम करेगा, यानी कि हमारे को करंट से लगने से भी ये बचा सकता है। तो अगर अडाप्टर यूज़ करके आप अगर सोलर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है और ये सेफ मोड रहती है, क्योंकि 12 वोल्ट का ये SMPS है, 12 वोल्ट से ज़्यादा इसके अंदर वेरिएशन होती नहीं है। जो है फराटे की बॉडी ले लें, कोई भी बॉडी आपके पास वहाँ अवेलेबल है, तो हमारे पास यहाँ बुलेट फराटे की हम बॉडी यूज़ करते हैं। और इसका आगे पीछे का जाल हो गया, ये बेल्ट हो गया, ये फ्रंट का शो हो गया, नीचे इसका एडजस्टेबल हो गया, ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं, नीचे बेस हो गया रबर का इसका, ताकि इसके अंदर वाइब्रेशन ना हो, और कोई तरह की इसके वाइब्रेशन है भी नहीं इसके अंदर। मैं आपको इसका सैंपल भी, डेमो भी दिखा दूंगा। उसके बाद ये जो है मोटर आप यूज़ करें, ये मोटर है हमारे पास, हमने ये मोटर यूज़ की है, 12 वोल्ट की मोटर है, आप इससे अच्छी या और भी इससे अच्छी यूज़ कर सकते हैं। हमने जो यूज़ की है वो आपकी जो है मोटर है, इसके अंदर कार्बन बुशेज होते हैं, आप BLDC भी यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ी रेंज बढ़ जाती है उसकी, लेकिन इसकी भी काफ़ी अच्छी लाइफ है। हमने 2-3 साल के आसपास हमें पुराने पंखे हो गए इनको निकाले हुए, उसमें कोई दिक्कत हमारे को आई नहीं है, 1-2% तो प्रॉब्लम आती है। उसके बाद जो है दूसरा पार्ट यूज़ होगा इसके अंदर, वो है आपका ये है आपका 12 वोल्ट SMPS, इस SMPS को यूज़ करके 100 से 300 की इसकी रेंज है, आउटपुट 12 वोल्ट है। इससे क्या होगा कि आप इसको अगर मान लीजिए सोलर इसको यूज़ करना चाहें तो एक्चुअली सोलर के लिए और बैटरी के लिए इसके अंदर वायरिंग हमें करनी पड़ेगी 12 वोल्ट DC की, लेकिन अगर आप नीचे फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे यूज़ करना चाहें तो ये अडाप्टर यूज़ करके आप इसको सीधा मेंस पे लगा दें जहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन हो, ताकि लाइट रहे तो लाइट पे चलेगा, लाइट जाने के बाद इन्वर्टर पे भी आपका चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। तीसरा पार्ट जो है इसका ये है आपका, ये फिन्स यूज़ करते हैं, ब्लेड यूज़ करते हैं हम, ये ब्लेड जो है प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, 3 पंखड़ी वाली। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये लाइट वेट होती है और इसका एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट होने की वजह से ये पावर कंजप्शन कम लेती है। तो ये हमारे 3-4 पार्ट्स थे जिसकी मदद से हम इसको बनाते हैं। तो आप हमारे जो है लोकल मार्केट में इसको बना के निकाल सकते हैं, हम भी इसको निकालते हैं, 1500 की रेंज में हम इसको बेच देते हैं। कस्टमर के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बिजली खपत कम करता है, पावर कंजप्शन बिल्कुल कम है, और इसके अंदर नॉइज भी नहीं है, वाइब्रेशंस भी नहीं है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, नॉइजलेस है। इसके अंदर जो है सिर्फ हवा के जो एयर फ्लो की जो नॉइज़ है वही आती है, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको डेमो भी यहाँ पे अगर दिखा सकता हूँ,
तो इसके अंदर एक फीचर और भी है कि इसके अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है इसके अंदर। ये मैंने कैप इसके ऊपर रख दी है और ये देखिए आपके सामने चल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। ये कैप भी जो है आपके ऊपर से गिर नहीं रही है, कोई भी इसके अंदर जो वाइब्रेशन होती है कोई वाइब्रेशन नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल स्मूथ ये फ़ैन हमारा चलता है। और इस फ़ैन को जो है ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया यहाँ से और ये बिल्कुल जो है वाइब्रेशन नहीं है, सिर्फ आवाज़ जो आती है वो एयर कटिंग की जो आवाज़ आती है, एयर फ्लो की जो आवाज़ है वही आवाज़ है इसके अंदर है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट ये आपका तैयार यहाँ पर हो गया है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।